Hello friends, I am Sangeeta and I welcome all of you to my YouTube channel Knowledge Track. Today's topic is going to be very interesting, that is Ramsar Sites in India. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने होंगे, जैसे कि वो कौन सा कन्वेंशन है जिसके थ्रू रामसर साइट्स डिक्लेयर होता है, रामसर कन्वेंशन कहाँ साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, हमारे वर्ल्ड में कितने रामसर साइट्स हैं, हमारे इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब साइन किया था, इंडिया में जो जो रामसर साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किस किस स्टेट्स में हैं. सारे वेटलैंड्स को तो हम लोग जाहिर सी बात है रामसर साइट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो रामसर कन्वेंशन ने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है रामसर साइट डिक्लेयर करने का, तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है हमें वो पढ़ना होगा. उसके बाद वेटलैंड क्या है, रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड का क्या डेफिनेशन दिया है, वेटलैंड के क्या टाइप्स हैं, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने होंगे, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर होगा. तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली. तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा. इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में. रामसर कन्वेंशन एक्चुअली क्या है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स. रामसर कन्वेंशन इज नथिंग बट एन इंटरनेशनल ट्रीटी. ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है. तो ट्रीटी मतलब एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि संधि, एक अग्रीमेंट है जो इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनेस्को. कभी कभी यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आ जाता है छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको याद रखिएगा. तो यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश की गई जो सम्मेलन है या जो रामसर कन्वेंशन है, या इसको आप कह सकते हो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स है, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको यूनेस्को ने इस्टेब्लिश किया हुआ है. एंड इसका मेन मोटिव ही यही है कि ये वेटलैंड्स को सस्टेनेबली यूज़ कर सके, उसको कंजर्व कर सके या उसको प्रिजर्व कर सके. तो ये है रामसर कन्वेंशन का. रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था, कहाँ साइन हुआ था, ठीक है. रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को. ये कहाँ साइन हुआ था, ये ईरान के एक शहर जिसका नाम है रामसर, उस जगह पे ये साइन हुआ था, ठीक है. यही कारण है कि हम लोग इसको रामसर साइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ईरान के एक शहर रामसर में साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को. याद रखिएगा, ये साइन तो हुआ था 1971 को, लेकिन ये फोर्स में कब से आया, इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 21 दिसंबर 1975. ये 21 दिसंबर 1975 से फोर्स में आया है. प्रेजेंटली अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने रामसर साइट्स हैं, 2414 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, जो हमारा पूरे अर्थ का इतना एरिया कवर करते हैं. 254,543,971 हेक्टेयर एरिया, ठीक है. ये एरिया आपको याद नहीं करना होगा, तो ये याद रखना होगा कि हमारे वर्ल्ड में कितने रामसर साइट्स हैं, अबव 2000, दैट इज 2414 रामसर साइट्स. देर आर 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन एज पर अक्टूबर 2019. लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हमारे रामसर कन्वेंशन को अभी तक कितने मेंबर कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, वो है 171 मेंबर कंट्रीज. इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर आर 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन. ओके, इंडिया ने इसको कब साइन किया था, इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1982 को साइन किया था, ठीक है. तो मैंने ये जो बोला रामसर कन्वेंशन के बारे में, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा. सबसे पहला, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था. इसका मेन मोटिव है कि ये कंजर्व करे, ये सस्टेनेबली यूज़ करे वेटलैंड्स को. ये रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में साइन हुआ था, एंड इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1982 को साइन किया था. अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में 2414 रामसर साइट्स हैं, और अभी तक रामसर कन्वेंशन को 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज या कंट्री मेंबर्स ने साइन किया हुआ है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि रामसर साइट ही क्यों कहा जाता है इसको. रामसर साइट एक्चुअली इसका डेफिनेशन है, एनी वेटलैंड साइट, कोई भी वेटलैंड साइट हो जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड है, जिसका मेन मोटिव है कि ये उसको प्रिजर्व करे वेटलैंड को, और वेटलैंड को सस्टेनेबली यूज़ करे या उसका यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सके, और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वेटलैंड के
वो भी सुरक्षित रहे। तो कोई भी वेटलैंड साइट जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड है, जिसका मेन मोटिव ही यही है कि वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करे या उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करे, उसको हम लोग रामसर साइट कहते हैं। रामसर साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईरान के एक शहर रामसर में साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन। यही कारण है कि उसके अंडर जितने भी वेटलैंड्स आते हैं उन सभी को हम लोग रामसर साइट्स कहते हैं। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ वेटलैंड। वेटलैंड क्या है? मैंने इसके पहले बोला कि रामसर कन्वेंशन को हम लोग वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वेटलैंड क्यों कहते हैं? क्या है वेटलैंड, एक्चुअली है क्या? तो पढ़ते हैं। वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉयल और इज प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सर्फेस ऑफ द सॉयल ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। तो वेटलैंड्स का ये तो मैंने डेफिनेशन बोला, अब इसको समझते हैं। मतलब वेटलैंड वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी मिट्टी को कवर करके रखता है, ठीक है? मतलब जहाँ पानी है, या तो थोड़ा सा पानी है या उसके सरफेस के अराउंड है, ठीक है? और सारे साल या तो पानी है या तो कुछ सीजनल, मतलब मान लीजिए ईयर के कुछ साल के कुछ टाइम के लिए ही बस वहाँ पर पानी रहता है। एंड कह सकते हो आप ग्रोइंग सीजन भी हो सकता है, ठीक है? जहाँ पे आप कह सकते हो कि पानी है, उस एरिया को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। अब वो भरा हो या फिर सरफेस तक ही पानी हो, डजेंट मैटर, ओके? अब वेटलैंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, हाँ ये वेटलैंड है। तो सबसे पहला है ये है कि वाटर सैचुरेशन, ठीक है? वाटर सैचुरेशन, जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजी भी कहते हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कि सॉयल वहाँ पे किस तरह का हो रहा है, या फिर टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज़ किस तरह के होंगे उस सॉइल पे। वहाँ का हाइड्रोलॉजी ये डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे किस तरह के पौधे होंगे, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते होंगे, या फिर किस तरह की मिट्टी होगी। क्यों मैं बता दूँ, वेटलैंड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वाटर वहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। मतलब अब अगर बारिश होती भी है या फिर पानी अगर आता भी, तो मिट्टी के अंदर, वाटर टेबल के अंदर नीचे ना जाए, पूरा वाटर टेबल वहाँ का फुलफिल रहे, पूरा इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे हो ही ना, पूरा वाटर फुल्ली सैचुरेटेड होना चाहिए। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वेटलैंड का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, वेटलैंड्स मे सपोर्ट बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। वहाँ पे एक्वाटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक यानी पानी वाला और टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाला, दोनों ही तरह के स्पीसीज वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है? नंबर थर्ड, द प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिएट्स कंडीशंस दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स। वहाँ पे क्योंकि पानी रहेगा, वो हो सकता है सारा साल रहे, परमानेंट रहे, या फिर टेम्पररी रहे, सीजनल, कुछ पर्टिकुलर सीजन में रहे पानी, जो भी रहे वहाँ पे हाइड्रोफाइट्स ग्रो करेंगे, कुछ अडेप्टेड प्लांट्स जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो पानी में उगते हैं, वहाँ पे वो पाए जाएंगे। एंड वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? वहाँ की मिट्टी आप कह सकते हो हाइड्रिक सॉइल वहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वेटलैंड्स के और डेफिनेशन है वेटलैंड का, ठीक है? तो एनी वेटलैंड अगर इसका कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं कोई ऐसा एरिया जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वाटर फुल्ली सैचुरेटेड है, वहाँ पे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज दोनों है, हाइड्रिक सॉइल वहाँ पे मिलता है, हाइड्रोफाइट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, पानी वहाँ पे है या सरफेस एरिया पे है, कुछ टाइम के लिए है या पूरे साल के लिए है, उसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। तो ये है वेटलैंड का डेफिनेशन। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोगों ने वेटलैंड का तो डेफिनेशन पढ़ा, रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड का क्या डेफिनेशन दिया है, ठीक है? रामसर कन्वेंशन, मैंने कहा था ना कि हर वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो रामसर कन्वेंशन ने वेटलैंड का कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या है? वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डजंट एग्जीड 6 meters। क्या मतलब है इसका? तो अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड जो एरियाज हैं, वेटलैंड्स क्या है? एरियाज है जहाँ पे मार्श, एरियाज ऑफ मार्श यानी दलदली इलाका हो वहाँ पे, फेन, पीटलैंड, पीट वाली मिट्टी कैसे, तो वहाँ पे मिट्टी हो, या वाटर हो, ठीक है? वाटर वो नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो, परमानेंट हो या टेम्पररी, मैंने कहा ना कि साल, पूरे साल या तो पानी हो या साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पानी रहे वहाँ पे, वाटर वहाँ पे स्टैटिक भी हो सकता है, एकदम स्थिर पानी भी हो सकता है, या वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है,
वाटर का जो होगा वो फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश यानी खारा पानी और फ्रेश वाटर का जो मिक्सचर होता है वो भी हो सकता है, या फिर सॉल्टी या खारा पानी भी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर. मरीन वाटर भी वेटलैंड एरिया हो सकता है अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन. अब मरीन वाटर यानी कि समुद्री, समुद्र का जो पानी होता है, तो वहाँ पे तो टाइड्स आएंगे ही, तो वहाँ पे लो टाइड जो आएंगे वो 6 मीटर से ज़्यादा एग्जिट नहीं करना चाहिए. तो ये है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड का डेफिनेशन, एकदम आपको याद करना है. मैं अगर कुछ एग्जांपल दूँ तो क्या क्या हो सकता है, मेरीन एंड कोस्टल एरियाज, ओके. उसके बाद है एस्चुअरीज हो सकते हैं, उसके बाद लेक्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, मार्शेस, दलदल इलाका, पीट लैंड्स हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, या फिर कुछ ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी हो सकते हैं. सिर्फ नेचुरली होंगे इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जैसे रिजर्वॉयर्स ले लो, डैम्स वगैरह, राइस की पैडीज यानी धान का जो खेत वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे देखोगे कुछ टाइम पीरियड के लिए पानी जमा हुआ रहता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं. श्रिम्प पॉन्ड्स, तालाब वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ये है रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड का डेफिनेशन, पूरा हूबहू इसको एकदम अच्छे से याद करना है. आई होप मैं आपको समझा चुकी हूँ इसका डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे. अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स है. सबसे पहला, डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. क्योंकि रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो हम लोग इसको इंटरनेशनली ही देखेंगे, ठीक है. तो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो वेटलैंड्स जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वेटलैंड्स को डेजिग्नेट करना, आइडेंटिफाई करना एज वेटलैंड्स, कि उसको इंक्लूड करना है रामसर कन्वेंशन के साइट में, या फिर रामसर कन्वेंशन के अंदर, रामसर साइट्स के अंदर उसको इंक्लूड करना है, ठीक है. तो वो पहला काम है, पहला ऑब्जेक्टिव है रामसर कन्वेंशन का, कि कौन से वेटलैंड्स को डेजिग्नेट करना है जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. नंबर टू, मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर वेटलैंड्स. अब जो जो रामसर वेटलैंड्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, उसको सही तरीके से मेंटेन करना, उसको सस्टेनेबली यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए उस वेटलैंड्स का, ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन. मैंने पहले ही कहा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जितने सारे कंट्रीज उन सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए. किस रिगार्ड पे, विथ रिगार्ड टू ट्रांस ब्राउन बाउंड्री वेटलैंड्स. कुछ ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं, इस बाउंड्री में भी उस बाउंड्री में भी, मतलब दो कंट्री के बाउंड्रीज में है, तो उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए. या फिर वाटर सिस्टम शेयर्ड है, हो सकता है कि ये कंट्री भी यूज़ कर रहा है, दूसरा कंट्री भी उस वाटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर भी कोऑपरेशन होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होने चाहिए. एंड स्पीसीज भी हो सकते हैं शेयर किए गए हों, तो वो भी वहाँ पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. अल्टीमेटली क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है रामसर कन्वेंशन का, कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेंटेन करके रखना है. तो 3 हो गए ऑब्जेक्टिव्स. पहला हो गया डेजिग्नेशन ऑफ वेटलैंड्स, इंक्लूजन के लिए आप टर्म्स याद कर सकते हो. पहला है इंक्लूड करना, ठीक है, कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या वेटलैंड्स इंक्लूड होंगे. दूसरा, अगर इंक्लूड हो गया तो इसको मेंटेन करना और उसका यूज़ अच्छे से करना. और तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना. तो ये सारे थे 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रामसर कन्वेंशन, ओके. चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, रामसर साइट्स क्राइटेरिया. एज आई टोल्ड यू कि सारे वेटलैंड्स को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते एज रामसर साइट्स. कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं बता दूँ, टोटल 9 क्राइटेरिया हैं. एक एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आप रट लोगे तोते की तरह, अल्टीमेटली इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है. तो आपको 9 के 9 क्राइटेरिया अच्छे से समझने हैं. बस मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, समझा रही हूँ, आप सिर्फ सुनो ध्यान से, आपको एकदम याद हो जाएगा, ओके. तो 9 क्राइटेरिया जो है उसमें 2 ग्रुप हैं, उस 9 क्राइटेरिया को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. ग्रुप ए, ग्रुप ए है साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स. इसका मतलब यही है कि वो वेटलैंड्स जो अपने आप में यूनिक है, अनोखा वेटलैंड है, उसको हम लोग कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग इसको इस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं. तो क्राइटेरियन 1 हमें क्या कहता है, क्राइटेरियन 1 हमें कहता है कि अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट
If it contains a representative, rare, or unique example of a natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region. किसी region, किसी biogeographic region में अगर वहाँ पे कोई wetland है और वो natural है या फिर कह सकते हो कि natural जैसा है, वो बहुत ही unique है, represent करता है उस area को और बहुत रेयर है, अपने आप में अनोखा वेटलैंड है, तो उस और उसको हम लोग वेटलैंड घोषित कर सकते हैं, इस इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं. और ये क्राइटेरिया 1 ग्रुप ए में आता है अकॉर्डिंग टू रामसर साइट्स क्राइटेरिया. नेक्स्ट ग्रुप बी. ग्रुप बी हमें कहता है साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. वो वेटलैंड साइट्स जो इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है, क्यों? फॉर कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं. तो उसमें भी जो क्राइटेरिया है विच इज़ बेस्ड ऑन स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज. मैंने पहले ही बोला कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन करके रख रहा है, कंजर्व करके रख रहा है दूसरा ग्रुप, तो उसमें उस क्राइटेरिया के ऊपर, स्पीसीज के ऊपर बेस्ड करके क्राइटेरिया है. क्राइटेरियन टू हमें क्या कहते हैं, देखिए क्राइटेरियन टू हमें कहता है अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज. वो वेटलैंड जो वल्नरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, इन सारे स्पीसीज को जो कंजर्व करता है या सपोर्ट करता है, वो वेटलैंड हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन टू रामसर वेटलैंड होगा या रामसर साइट होगा. ठीक है, तो कोई भी ऐसा वेटलैंड जो इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्पीसीज को, कौन कौन से स्पीसीज, वल्नरेबल थ्रेटेंड एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड को सपोर्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्राइटेरियन टू के अकॉर्डिंग रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 क्राइटेरियन. अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजोग्राफिक रीजन. मान लीजिए एक ऐसा रीजन, एक ऐसा बायोजोग्राफिक रीजन है जहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज अगर वहाँ नहीं होंगे तो वहाँ का जो उस रीजन का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे स्पीसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोई वेटलैंड वैसे स्पीसीज को सपोर्ट करता है तो वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 3 हमारा रामसर वेटलैंड होगा. ओके, क्राइटेरियन 4 हमें क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड और एनिमल स्पीसीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स और प्रोवाइड्स रिफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस. ऐसा वेटलैंड जो कुछ प्लांट्स या एनिमल स्पीसीज जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे हैं अपने लाइफ साइकिल के, वो बहुत ही डेंजर या क्रिटिकल स्टेज में है, अगर वेटलैंड उस प्लांट्स एंड एनिमल के स्पीसीज को सपोर्ट करता है या बहुत ही एडवर्स हार्श कंडीशन में रिफ्यूजी को अगर प्रोवाइड करता है, मतलब कोई बाहर से कोई आ रहा है स्पीसीज या एनिमल्स अगर उसको सपोर्ट करता है, तो वो वेटलैंड भी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 4 हमारा रामसर वेटलैंड डिक्लेयर हो सकता है. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स. वाटर बर्ड्स के ऊपर बेस करके क्राइटेरियन 5 और 6 है. ठीक है, क्राइटेरियन 5 हमें क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स. अगर कोई वेटलैंड 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 5 वो हमारा रामसर वेटलैंड घोषित हो सकता है. क्राइटेरियन 6 हमें क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड. मान लीजिए एक वाटर बर्ड का कोई स्पीसीज है या उसका कोई सब स्पीसीज है, अगर उस स्पीसीज का 1% पॉपुलेशन अगर उसको सपोर्ट करता है वो वेटलैंड, तो वो हमारा रामसर वेटलैंड हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 6. उसके बाद आ रहा है हमारा स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फिश. फिश के ऊपर बेस्ड करके क्राइटेरियन 7 एंड 8
घोषित है, मतलब किए गए हैं। क्राइटेरियन 7 हमें क्या कहता है, अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फीस सब स्पीसीज स्पीसीज और फैमिलीज लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस स्पीसीज इंटरैक्शंस एंड और पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेटलैंड बेनिफिट्स एंड और वैल्यूज दे एंड देयर बाई कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्राइटेरियन 7 हमें ये कहता है कि अगर कोई वेटलैंड किसी भी इंडिजिनस मतलब कोई ऐसी फिश हो या उसके सब स्पीसीज को का कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन को अगर वो वेटलैंड सपोर्ट करता है या उस फिश का स्पीसीज को सपोर्ट करता है या उसके फैमिली को सपोर्ट करता है या उसका लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस को सपोर्ट करता है या उसके इंटरेक्शन को कि वो स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसके इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है उस एरिया के या उस वेटलैंड एरिया के पॉपुलेशन उस फिश स्पीसीज के पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है या उसके बेनिफिट्स को सपोर्ट करता है मतलब कुछ भी फिश से रिलेटेड वहाँ पे उसका स्पीसीज सब स्पीसीज इंटरेक्शन जिस किसी को भी अगर वो वेटलैंड सपोर्ट करता है जो इंडिजिनस फिश बायोलॉजिकल ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 7 रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं और ये फिश के ऊपर बेस्ड है। क्राइटेरियन 8 हमें क्या कहता है, क्राइटेरियन 8 हमें ये कहता है इफ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज स्वैपिंग ग्राउंड नर्सरी एंड और माइग्रेशन पाथ ऑन विच फिश स्टॉक्स आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड। तो 8 हमें ये कहता है कि ऐसा वेटलैंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हो मतलब फिशेस के खाने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो मतलब फिश वहाँ से अपना खाना पाती हो या वहाँ से अपना खाना कलेक्ट करती हो या फिर उस ग्राउंड में रहती हो या फिर उस एरिया में मतलब उनके खाने का जो ये प्रॉब्लम है फिर मान लो वहाँ से जो माइग्रेट करे उनका जो रास्ता है अगर वो वेटलैंड उसको सपोर्ट करती है तो वो वेटलैंड हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन 8 हमारा रामसर साइट डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्राइटेरिया जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन अदर टैक्सा। टैक्सा मतलब अदर स्पीसीज या अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो अदर स्पीसीज होंगे उनके ऊपर बेस्ड करके जो है वो है हमारा क्राइटेरियन 9। अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज। जो नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज होते हैं अगर उनका 1% पॉपुलेशन को भी ये वेटलैंड सपोर्ट करता है, ठीक है, या उनके स्पीसीज को सपोर्ट करता है रेगुलरली तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये थे 9 क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे ध्यान से सुनोगे तो आपको इजीली ये रिमेंबर हो जाएगा, एकदम मन दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा इजीली। तो चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रामसर क्लासिफिकेशन फॉर वेटलैंड्स। रामसर साइट्स के या फिर कह सकते हैं कि रामसर वेटलैंड 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मेरीन वेटलैंड, ठीक है, यानी समुद्री वेटलैंड। अब जाहिर सी बात है भाई वो दोनों ही हो सकता है, एक तो सलाइन वाटर वेटलैंड भी हो सकता है और एक ब्रैकिश वाटर वेटलैंड भी हो सकता है। सलाइन यानी खारा पानी का जो वेटलैंड होता है वो, और ब्रैकिश यानी फ्रेश और सलाइन का मिक्सचर, ठीक है, वो वेटलैंड भी हो सकता है। तो पहला है मेरीन वेटलैंड जिसके 2 टाइप्स हो सकते हैं या 2 तरह के हो सकते हैं, सलाइन वाटर वेटलैंड एंड ब्रैकिश वाटर वेटलैंड। दूसरा आता है इनलैंड वेटलैंड, ठीक है, जो अंदर हो मतलब लैंड के अंदर हो, जो भी 2 तरह का हो सकता है, जैसे कि फ्रेश वाटर वेटलैंड हो सकता है जहाँ एकदम पानी फ्रेश हो, और दूसरा ब्रैकिश वाटर वेटलैंड हो सकता है जहाँ खारा पानी और फ्रेश वाटर दोनों हो। ठीक है, अब ये 2 तरह के हो सकते हैं दोनों ही, एक तो फ्रेश वाटर वेटलैंड हम लोग कह सकते हैं, फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग स्ट्रीम रिवर, और दूसरा परमानेंट भी हो सकता है या फिर सीजनल भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा वेटलैंड का डेफिनेशन में कि परमानेंट भी सारे साल भी रह सकते हैं या फिर सीजनल किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मार्श लेक एक्सेट्रा। थर्ड है मैनमेड वेटलैंड, ह्यूमन मेड वेटलैंड भी होते हैं रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। पहला है पॉन्ड और दूसरा सीजनली फ्लडेड एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे कि पैडी, मैंने कहा पैडी एग्रीकल्चरल फील्ड वो हो सकता है।
तो ये है रामसर क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर वेटलैंड्स। तीन होते हैं, मेरीन वेटलैंड, इनलैंड वेटलैंड, मैन मेड वेटलैंड। अब इसके भी सब टाइप्स हैं, जैसे कि मेरीन का है सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर, एंड इनलैंड का है फ्रेश एंड ब्रैकिश। अब दोनों ही दोनों फॉर्म हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है, और मैन मेड वेटलैंड पॉन्ड हो सकता है या फिर सीजनली फ्लडेड एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रामसर क्लासिफिकेशन फॉर वेटलैंड्स। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग रामसर साइट्स। एकदम मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूरा क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको एंड आपको आंसर करना है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए रामसर साइट्स के बारे में। तो पहला है कि रामसर साइट्स आर वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने पढ़ा है ना कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सारे क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज है। तो रामसर साइट्स भी वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारे पूरे वर्ल्ड में। दूसरा क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट वॉज आइडेंटिफाइड इन 1974, विच वॉज द कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा इसको, ठीक है, कि हमारे वर्ल्ड का पहला रामसर साइट कब आइडेंटिफाई किया गया था, 1974 को। कौन सा था, उसका नाम था कोबर्ग पेनिनसुला विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोबर्ग पेनिनसुला विच इज इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा कंट्री है जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, दैट इज 175। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ है, तो वो यूके में है। ओके, सेकेंड फेब्रुवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेकेंड फेब्रुवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान के रामसर नामक शहर पे साइन हुआ था, शहर में साइन हुआ था। ओके, तो इसीलिए ये कारण की वजह से सेकेंड फेब्रुवरी को हम लोग इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एज द रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड ऑन फेब्रुवरी 2, 1971। ओके, तो सेकेंड फेब्रुवरी को हम लोग इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1971 को ये साइन हुआ था, 2021 है ये। ये सेकेंड फेब्रुवरी 2021 को रामसर कन्वेंशन ने अपना 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है, रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके कोलैबोरेशन के साथ रामसर कन्वेंशन काम करता है। सबसे पहला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दैट इज IWMI, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट दैट इज WWT एंड WWF इंटरनेशनल। ये छः के छः ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको याद रखने होंगे जिसके कोलैबोरेशन के साथ रामसर कन्वेंशन काम करता है। ठीक है, ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट चल रहा है, तो देर आर 42 रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, 42 एज ऑफ डिसम्बर 2020। अभी रिसेंटली डिसम्बर 2020 में ऐड हुआ है एक रामसर साइट, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख। ओके, जिसका सरफेस एरिया मैं बता दूँ, मतलब 42 रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में, तो ये हमारे इंडिया का इतना एरिया कवर करता है। क्या है, 10,81,438 हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है। एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि हमारे इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं, तो 42 रामसर साइट्स हैं। अब आता है लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया का क्या है। इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट है चिलिका लेक इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, जिसका सरफेस एरिया है 1,16,500 हेक्टेयर। ठीक है, इसका एरिया आपको याद रखना होगा, बिकॉज चिलिका लेक लार्जेस्ट है, तो कभी कभी पूछ देता है कि इसका एरिया क्या है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट क्या है इंडिया का, रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका सरफेस एरिया है ओनली 20 हेक्टेयर। आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट का कितना एरिया है और स्मॉलेस्ट का कितना एरिया है। ठीक है, लार्जेस्ट है 1,16,500 हेक्टेयर एंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट है जिसका एरिया है 20 हेक्टेयर। लार्जेस्ट है चिलिका लेक विच इज़ इन ओडिशा एंड स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा,
There are largest number of wetlands in Uttar Pradesh, that is 8. जैसे हमने वर्ल्ड परस्पेक्टिव से पढ़ा था ना कि वर्ल्ड में कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, तो वो था यूके. वैसे ही हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स किस स्टेट में है, वो है उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी. चिलिका लेक इन ओडिशा एंड केवला देव नेशनल पार्क इन राजस्थान आर द फर्स्ट रामसर साइट्स टू बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन साइन किया था. उसके बाद फर्स्ट मतलब रामसर साइट्स फर्स्ट कौन से हैं इंडिया के, तो दो रामसर साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था. फर्स्ट पहला है चिलिका लेक जो ओडिशा में है, जो इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड भी है या लार्जेस्ट रामसर साइट भी है. और दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है. तो दो रामसर साइट्स थे जिसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था एज रामसर साइट्स इन इंडिया. एक और टॉपिक है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है. ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पॉल्यूशंस और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है या ये रिकॉर्ड करके रखता है उन सारे वेटलैंड साइट्स का जो रामसर वेटलैंड्स हैं, जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, या रामसर साइट्स जो हैं ये उनके वेटलैंड साइट्स को रजिस्टर या रिकॉर्ड करके रखता है जहाँ इकोलॉजिकल कैरेक्टर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं. मान लो कोई वेटलैंड है वहाँ पे इकोलॉजिकली कुछ चेंजेस आ रहे हैं या हो रहा है, क्यों हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से हो रहा है. वहाँ पे मान लीजिए कोई डैम बन रहा है या रिजर्वर बन रहा है इसलिए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से या दूसरे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पे अगर इकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम आता है किसी वेटलैंड पे, तो उसका रिकॉर्ड रखता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, उसका रजिस्टर रखता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. ओके, तो दैट्स ऑल. नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन 2020. बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2020 में कौन कौन से रामसर साइट्स को हमारे रामसर साइट्स या रामसर कन्वेंशन में ऐड किया गया है, देखते हैं. तो सबसे पहला है जनवरी 2020 में क्या क्या ऐड हुआ है, आपको ये याद रखना होगा. जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग MOEFCC भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच इज़ अ पार्ट या बॉडी कह सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, अनाउंस्ड द एडिशन ऑफ कंट्रीज 10 मोर वेटलैंड्स इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स. जनवरी 2020 में MOEFCC ने 10 वेटलैंड्स की घोषणा की एज रामसर साइट्स. ठीक है, विद दिस एडिशन, इस एडिशन के साथ महाराष्ट्र जो स्टेट है उसको अपना पहला रामसर साइट मिला. ठीक है, उसको अपना पहला रामसर साइट मिला. पंजाब को 3 और ज़्यादा रामसर साइट्स मिले और उत्तर प्रदेश को 6 रामसर साइट्स मिले. यानी कि जनवरी 2020 में 10 रामसर साइट्स को ऐड किया गया था. महाराष्ट्र को अपना पहला रामसर साइट मिला, उत्तर प्रदेश को 6 रामसर साइट्स मिले और पंजाब को 3 रामसर साइट्स मिले. अब वो कौन कौन से मिले, नाम देखते हैं. महाराष्ट्र को अपना पहला रामसर साइट मिला नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी या मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रामसर साइट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, वो जनवरी 2020 में डिक्लेयर किया गया था, क्या था, नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी. नेक्स्ट पंजाब, पंजाब को 3 रामसर साइट्स मिले थे, ठीक है, पहले से ही थे उसके पास, उसको और 3 रामसर साइट्स मिले. सबसे पहला नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद केशोपुर वेटलैंड जिसको हम लोग गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, थर्ड बियास वेटलैंड साइट, याद रखना होगा क्या है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशोपुर वेटलैंड, बियास वेटलैंड साइट. ओके, डन. उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को 6 रामसर साइट्स मिले. ठीक है, सबसे पहला सरसई नवार झील, उसके बाद है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी. ये छः रामसर साइट्स हैं जिसको जनवरी 2020 में रामसर साइट्स के अकॉर्डिंग या रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया. ठीक है, इसको याद रखने का क्या टेक्निक है मैं आगे बताऊंगी. चलिए,
अक्टूबर 2020, वो तो था जनवरी, अक्टूबर 2020 में भी दो रामसर साइट्स डिक्लेयर हुए, ठीक है। पहला है काबरताल वेटलैंड जो बिहार में है, और दूसरा आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो उत्तराखंड में है। तो ये अक्टूबर 2020 में हुआ, पहला काबरताल वेटलैंड जो बिहार में है और दूसरा आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो हमारे उत्तराखंड में है। नवंबर 2020 में यूनियन मिनिस्टर जो है, मतलब मैंने कहा ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया दो और वेटलैंड्स का टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। वो कब हुआ? नवंबर 2020 में। सबसे पहला तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र, जिस जनवरी 2020 में महाराष्ट्र को अपना पहला वेटलैंड मिला, क्या था? नंदूर मध्यमेश्वर वेटलैंड। अब ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया आपका लोनार लेक इन महाराष्ट्र, दूसरा नवंबर 2020 में। उसके बाद सुर सरोवर जिसको हम लोग कीथम लेक भी कहते हैं, ये आगरा में ऐड हुआ, आगरा जो कि यूपी में है, यानी ये यूपी में ऐड हुआ नवंबर 2020 में। क्या? सुर सरोवर जिसको हम लोग कीथम लेक भी कहते हैं। दिसंबर 2020 लेटेस्ट जो अभी का रिसेंट ऐड हुआ है, दिसंबर 2020 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने अनाउंस किया एक और वेटलैंड हमारे रामसर साइट्स के लिस्ट में। क्या है उसका नाम? सोकार वेटलैंड विच इज़ इन लद्दाख। लद्दाख क्या है अभी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो सोकार वेटलैंड जो हमारे लद्दाख में ऐड किया गया, ये है रीसेंट एडिशन ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा रामसर साइट्स इन इंडिया का मैप, स्टेट वाइज दिया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, हमारे इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं और इन सबको याद करना है, तो अब हम लोग उस लिस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, रामसर साइट्स का लिस्ट। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में तीन वेटलैंड्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी हो चुका है, ठीक है। तो तीन वेटलैंड हैं, क्या है? होकेरा वेटलैंड सबसे पहला, दूसरा बुलार लेक, तीसरा सुरिंसर मंसर लेक, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपका याद करने का होमवर्क है। तो होमवर्क को हम लोग कैसे लिखते हैं? HW, और हम यहाँ पे अगर S लिख दिए मान लीजिए यहाँ पे, तो HWS क्या हो गया? होमवर्क्स मान लीजिए, ऐसा याद करने का टेक्निक। और क्या? तो H से हमारा हो गया होकेरा वेटलैंड, W से हमारा हो गया वुलार लेक, एंड S से हो गया हमारा सुरिंसर मंसर लेक। तो हम लोग कह सकते हैं कि HWS कहाँ है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। क्या है? होकेरा वेटलैंड, वुलार लेक, सुरिंसर मंसर लेक्स। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा, सॉरी यूनियन टेरिटरी, विच इज़ लद्दाख। तो लद्दाख में दो हैं, दो वेटलैंड हैं, दो रामसर साइट हैं। पहला है सो मोरीरी लेक, यहाँ पे टी साइलेंट है, और दूसरा है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको कहा कि दिसंबर 2020 में ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा, लद्दाख तो कहीं ना कहीं यूटी यूनियन टेरिटरी, टी फॉर टेरिटरी आता है तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है अभी, है ना, तो टी फॉर टेरिटरी आता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं टी स्क्वायर विच इज़ इन लद्दाख, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे है सो मोरूरी लेक और दूसरा है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सोकार का मीनिंग क्या होता है, सो से आपको याद रखना है, ठीक है। सोकार का मीनिंग क्या होता है? सोकार का मीनिंग होता है वाइट, मतलब वहाँ पे स्नो भरा पड़ा है, क्योंकि लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड में है, वहाँ पे हिमालयाज के कुछ अंश वहाँ पे हैं, जिस वजह से वहाँ पे पूरा स्नो ही स्नो है, वाइट है पूरा, इसलिए उसको हम लोग सोकार कहते हैं, कि सोकार का मीनिंग होता है वाइट लैंड, ठीक है। तो टी स्क्वायर जो लद्दाख में है वो है सो मोरीरी और दूसरा है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तीन रामसर साइट्स हैं, पहला चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक,
एंड रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड तो आपको वैसे भी याद रहने वाला है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में, तो आपको दो याद रखना है। वैसे पोंग डैम लेक अभी न्यूज़ में करेंटली है, आप उससे रिलेटेड करंट अफेयर ज़रूर पढ़िएगा। चंद्रताल वेटलैंड, तो तीन हो गए। पोंग डैम लेक आपको याद रहने वाला है क्योंकि करेंटली न्यूज़ में है, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड भी याद रहने वाला है क्योंकि वो आपका स्मॉलेस्ट रामसर साइट है हमारे पूरे इंडिया का। और एक आपको जो याद रखना है वो है चंद्रताल वेटलैंड, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आप इसको याद कर लो, हिमाचल प्रदेश में क्या है? चंद्रताल वेटलैंड, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारे तीन थे जिसको हम लोग HWS से याद रख सकते हैं, होकेरा वेटलैंड, दूसरा वुलार लेक, तीसरा सुरिंसर मनसर लेक। अच्छा, उसके बाद आ गया लद्दाख। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी का टी आप लीजिए टी स्क्वायर यानी सोमोरीरी लेक, और दूसरा सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दो आपको ऐसे ही याद रहने वाला है क्या, एक है पोंग डैम लेक, दूसरा क्या है आपका रेणुका वेटलैंड। क्या है वो? रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद आ गया चंद्रताल वेटलैंड, वो क्या है? वो भी वेटलैंड, वो भी क्या है? हमारा रामसर साइट है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद का है उत्तराखंड। आपको ये बात याद रखना होगा कि अक्टूबर 2020 में आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना था, ठीक है। तो ये इजीली आपको रह जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में एक ही है। आप कह सकते हो कि उत्तराखंड उतर रहे हो आप कहीं ना कहीं, है ना, उतर रहे हो। और आसन भी क्या है? आसन मतलब आ रहा है, मतलब वहाँ से तो कोई आते हैं ना उतर के, मतलब आप कह सकते हो कि ईजी है, मतलब कह सकते हो उत्तराखंड उतरना बहुत ईजी है, एंड आसन मतलब आसान उतरना, आप किसी भी सीढ़ी पे चढ़ो चढ़ना डिफिकल्ट है बट वहाँ से उतरना बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं आसान उत्तराखंड, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हो आसन कंजर्वेशन रिजर्व, वो उत्तराखंड में है। उसके बाद है पंजाब। तो पंजाब में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, आपको वैसे याद रखने होंगे, ठीक है। तो पहला है, इसको मैं ऊपर कर दूँ, ओके। पहला है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, उसके बाद है हरिके लेक, कंजिली लेक, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपार वेटलैंड, ये सारे के सारे पंजाब में हैं। तो पंजाब में कितने वेटलैंड्स हैं? 6 वेटलैंड्स हैं। पहला ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए पंजाब में ब्यास रिवर जाती है, मतलब एक्चुअली तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। हरिके लेक आप इस तरह से याद रख सकते हो कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो वहाँ हरियाली छाई रहती है, तो वहाँ से आपको हरिके से याद रहेगा पंजाब। उसके बाद है कंजली लेक एंड केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, इसको आपको के स्क्वायर से याद रखना है, ठीक है। के स्क्वायर कहाँ है? पंजाब में है। क्या क्या? कंजली लेक और दूसरा क्या है? केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। उसके बाद है NR, ठीक है। N मतलब क्या हो गया मेरा? नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद हो गया रोपार वेटलैंड, वो कहाँ है? पंजाब में है। तो ये पंजाब में कितने वेटलैंड्स या फिर कितने रामसर साइट्स हुए? 6 रामसर साइट्स हुए। नेक्स्ट स्लाइड, सांभर लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो यहाँ आ गया हमारा राजस्थान। राजस्थान में भी कितने रामसर साइट्स हैं? 2 हैं। पहला है सांभर लेक, भाई सांभर नाम से ही पता चलता है कहाँ है हमारा, राजस्थान में, तो वहाँ पे सांभर लेक राजस्थान। उसके बाद केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ऐसे ही आपको याद रखना है या ऐसे ही याद रह जाएगा क्योंकि ये हमारे इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था, इसके साथ चिलिका लेक भी था उड़ीसा का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गुजरात, ठीक है। गुजरात में हमारा एक ही रामसर साइट है, वो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। गुजरात में क्या है? नाल सरोवर है, ठीक है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी हमारा गुजरात में है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी हमारा एक ही है, ठीक है, रामसर साइट है जिसको हम लोग भोज वेटलैंड कहते हैं। भोज मतलब कह सकते हैं इसको ऐसे रिलेट करना, भोज मतलब भोजन, खाना, खाना खाते हैं, कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। पेट हमारा क्या है? मध्य है, मतलब मध्य भाग कह सकते हैं। तो इंडिया का जो मिडिल पोर्शन है मध्य प्रदेश, वहाँ पे क्या है? भोज वेटलैंड्स है, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 ही वेटलैंड है या 2 रामसर साइट है। पहला तो है चिलिका लेक, आपको ये इजीली याद रह जाएगा क्योंकि ये लार्जेस्ट भी है और फर्स्ट रामसर साइट भी है। और दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव्स। क्या है? भीतरकनिका मैंग्रोव्स कहाँ है? ओडिशा में है। भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में है, ओके। बिहार एक ही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कबरताल वेटलैंड 2020 अक्टूबर में ये क्या हुआ? ऐड हुआ है।
उसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी दो ही रामसर साइट्स है, पहला तो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, कोलकाता नाम से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है सुंदरबन, सुंदरबन क्योंकि हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, ये कहाँ है वेस्ट बंगाल में, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है आसाम, आसाम में है दीपोर बिल, आसाम में एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है दीपोर बिल। फिर है लोकटक लेक, मणिपुर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लोकटक लेक कहाँ है मणिपुर, तो याद रखिएगा आसाम में क्या है दीपोर बिल और मणिपुर में क्या है लोकटक लेक। उसके बाद आ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक, ठीक है रुद्र सागर लेक हमारा कहाँ है त्रिपुरा में है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी दो रामसर साइट है, एक तो हमारा हो गया लोनार लेक और दूसरा हो गया नंदूर मध्यमेश्वर। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र को पहला रामसर साइट मिला था जनवरी 2020 में, ये आपको याद रखना है। और लोनार लेक हमको हमको 2020 में ही इसको डिक्लेयर किया गया था जो कहाँ है महाराष्ट्र में है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक ही वेटलैंड या एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है कोलेरू लेक, क्या है कोलेरू लेक। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, राजस्थान में कितने रामसर साइट से दो हैं, सांभर लेक केवला देव घाना नेशनल पार्क, दूसरा गुजरात में एक ही है जिसको हम लोग कहते हैं नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है मध्य प्रदेश, जाहिर सी बात है भोज वेटलैंड्स, उड़ीसा में दो हैं भीतरकनिका मैंग्रोव एंड चिलिका लेक, बिहार में एक है काबरताल वेटलैंड, वेस्ट बंगाल में दो हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और एक सुंदरबन वेटलैंड्स। उसके बाद आसाम, आसाम में है दीपोर बिल, लोकटक लेक मणिपुर, रुद्र सागर लेक ऑब्वियसली त्रिपुरा। उसके बाद है महाराष्ट्र में दो, नंदूर मध्यमेश्वर और लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, मतलब कह सकते हो लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है उत्तर प्रदेश में। क्या क्या है, सबसे पहले अपर गंगा रिवर, जाहिर सी बात है गंगा होते हुए आती है, तो अपर गंगा हमारा कहाँ है उत्तर प्रदेश में है, अच्छा ये आपको इजीली याद रहेगा। पार्वती अर्घा बर्ड सेंचुरी, कहीं ना कहीं कह सकते हो आगरा को अर्घा देख लो, आगरा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, अगर ये अर्घा वर्ड आपको दी जाएगा तो आप इजीली इसको ये कर देना कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो पार्वती अर्घा बर्ड सेंचुरी कहाँ है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश नवाबों का मतलब राज्य है कह सकते हो, वहाँ पर लखनऊ कहाँ है उत्तर प्रदेश में, नवाबों का शहर, तो नवाबगंज से नवाबों का शहर से आपको याद रखना नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ उत्तर प्रदेश में। फिर है सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवाब झील, नवार झील, सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी एंड समन बर्ड सेंचुरी, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो S5, ठीक है S5 कहाँ है उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहला है सांडी, एस सांडी, फिर है सरसई, उसके बाद है सुर, फिर है समसपुर, समन, बहुत अच्छे से याद रखना, दो तीन बार पढ़िए, सांडी सरसई सुर सुर सरोवर समसपुर एंड समन बर्ड सेंचुरी, ये सारे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है केरला, केरला में है तीन रामसर साइट, क्या क्या, सबसे पहले अष्टामुड़ी वेटलैंड, उसके बाद है सास्थम कोटा लेक और है वेम्बानंद कोल वेटलैंड, वेम्बानंद कोल वेटलैंड, ये तीनों कहाँ हैं केरला में है, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट जो है 42nd वो है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा है पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, तो तमिलनाडु कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो आप इसको पॉइंट के हिसाब से कह सकते हो, साउथ पॉइंट के हिसाब से, तो हो गया हमारा पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ है तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सारे हो गए 42 रामसर साइट्स हमारे इंडिया के, आपको सारे रामसर साइट्स किस किस स्टेट में है, किस किस यूनियन टेरिटरी में है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ओके। हमने लिस्ट तो देखा, अब हमें देखना होगा कुछ इम्पॉर्टेंट जो है हमारे रामसर साइट्स जो रिसेंटली ऐड हुए हैं इन द ईयर ऑफ 2020, उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में बन ही सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है उतरना आसान है ना, उत्तराखंड उतरना आसान है, तो आसान कहाँ, आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ उत्तराखंड में, आपको याद रखना होगा। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये दिख रहा है ये पिक्चर, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व की पिक्चर है ओके। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 444 यानी 444
444 हेक्टेयर स्ट्रेच में ये फैला हुआ है, ठीक है। आसन रिवर, ऑफ द आसन रिवर रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना रिवर इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। मैं बता दूं, उत्तराखंड का देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जब ये आसन रिवर नीचे की तरफ आते हुए रनिंग करते, इस तरह से रनिंग करते हुए जब यमुना से मिलती है, ठीक है, ये जब यमुना से मिलती है तब हम लोग इसको कहते हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये वो वाला हिस्सा है, ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है, फ्रॉम द आसन रिवर रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना रिवर इन द देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, याद रखना ये आपको। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, 444 यानी 444 हेक्टेयर एरिया। उसके बाद हम ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ पे 330 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम्ड वल्चर है एंड बियर्स पोचार्ड है, ठीक है। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, मोर देन 1% ऑफ बायोजोग्राफिकल पॉपुलेशन ऑफ टू वाटर बर्ड स्पीसीज हैव बिन रिकॉर्डेड, दीज बींग दो वाटर बर्ड स्पीसीज भी यहाँ पे हैं। पहला है रेड क्रेस्टेड पोचार एंड दूसरा है रडी शेल डक, ठीक है। इनके स्पीसीज यहाँ पे 1% से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, काबरतल वेटलैंड कहाँ है ये काबरतल वेटलैंड? ये आपको इमेज दिख रही है, ये है काबरतल वेटलैंड की इमेज। काबरतल वेटलैंड एक्चुअली बिहार स्टेट में है। कहाँ है? बिहार में। चलिए शुरू करते हैं। काबरतल वेटलैंड ऑल्सो नोन एज कंवर झील, काबरतल वेटलैंड को कंवर झील भी कहा जाता है। ये 2620 हेक्टेयर एरिया ऑक्यूपाई करता है ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का 2620 हेक्टेयर एरिया ऑक्यूपाई करता है। कहाँ? इन द नॉर्दर्न बिहार स्टेट। ओके, सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। कितने प्लांट स्पीसीज हैं भाई? 165 प्लांट स्पीसीज है, 394 एनिमल स्पीसीज है। तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी है, कितनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें से 221 बर्ड स्पीसीज भी हैं। ओके, द वेटलैंड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलॉन्ग द सेंट्रल एशियन फ्लाई वे विद 58 माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। इट इज़ ऑल्सो अ वैल्यूएबल साइट फॉर फिश डाइवर्सिटी विद ओवर 50 स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पे फिश की बायोडाइवर्सिटी भी है, जहाँ 50 स्पीसीज से भी ज़्यादा फिश पाई जाती है। ओके, 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है काबरतल में। ये आपको याद रखना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रामसर साइट से रिलेटेड। क्या क्या है? रेड हेडेड वल्चर है, उसके बाद वाइट रम्ड वल्चर है, इंडियन वल्चर है और 2 वाटर बर्ड्स भी हैं। क्या है? सोशियबल लैपविंग एंड बोअर्स बेयर्स पोचार्ड। ओके, ये है आपका 5 एंडेंजर्ड स्पीसीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये सिचुएटेड है ये वेटलैंड। और ये साइट को अभी कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। किसकी वजह से? वहाँ पे हो सकता है वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ड्रेनेज, वाटर एब्स्ट्रक्शन, डैमिंग एंड कैनलाइजेशन। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पे काबरतल वेटलैंड को या काबरतल रामसर साइट को कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, सुर सरोवर वेटलैंड, ये आप देख सकते हो सुर सरोवर वेटलैंड का इमेज। सुर सरोवर वेटलैंड क्या होता है? इसको हम लोग कीथम लेक भी कहते हैं भाई, मैंने बताया था आगरा में इसको ऐड किया गया, ठीक है। ये ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुर सरोवर क्या है? ह्यूमन मेड रिजर्वायर है, जिसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया था कि आगरा शहर को ये वाटर सप्लाई करे। कब? इन समर। द वेटलैंड सून बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड रिच इकोसिस्टम। पहले कीथम लेक को या सुर सरोवर लेक को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था ताकि ये आगरा शहर को समर सीजन में वाटर सप्लाई कर सके। बाद में ये बहुत बहुत जल्दी ये एक इम्पॉर्टेंट एंड रिच इकोसिस्टम वहाँ पे बना एंड ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है या फिर ह्यूमन मेड रामसर साइट है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज भी हैं, जैसे कि वल्नरेबल ग्रेटर स्पॉटेड ईगल या फिर सारस क्रेन एंड कैट फिश वालागो आटू, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ये साइट बर्ड स्पीसीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच माइग्रेट ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विथ ओवर 30,000 वाटर बर्ड्स। यहाँ पे मान लो 30,000 से भी ऊपर वाटर बर्ड्स हैं जो यहाँ पे एनुअली विजिट करते हैं, ठीक है।
इस रीजन कॉल पे। ओके, यहाँ पे साउथ एशियन रीजनल पॉपुलेशन ऑफ द ग्रे लैग गूज इस स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं वो 1% से भी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, इनवेसिव स्पीसीज एंड हाउस होल्ड सीवेज एंड अर्बन वेस्ट वाटर प्रेजेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू द साइट। अभी भी इस साइट को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ये स्पीसीज इन्वेसिव हो जा रही है, हाउस होल्ड सीवेज सब यहाँ पे आ रहा है, मतलब हाउस होल्ड का जो गंदा पानी आ रहा है, अर्बन वेस्ट वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स इस साइट को देखनी पड़ रही है। ये रामसर साइट कहाँ लोकेटेड है? ये रामसर साइट दिल्ली मथुरा हाईवे, जो हम लोग इसको NH2 भी कहते हैं, नेशनल हाईवे 2, आगरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोनार लेक, आप देख पा रहे हो लोनार लेक की ये पिक्चर, पिंक वाटर है, देख लो ये लोनार लेक एक्चुअली क्या है, मीटियोराइट के कोलिशन की वजह से बना था, एंड देख ही पा रहे हो यहाँ पे एक हेलो आर्किया माइक्रोब की वजह से ये इसका जो पानी है पिंक में टर्न हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस लेक का पानी पिंक टर्न हुआ है, पिंक कलर में टर्न हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लोनार लेक। दिस वेट लैंड ऑन द डेक्कन प्लेटो इज एन एंडोरिक और क्लोज्ड बेसिन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप फॉर्म्ड बाय अ मीटियोराइट इंपैक्ट ऑन टू द बेसाल्ट बेडरॉक। मैंने कहा था ना बेसाल्ट की जो बेडरॉक है वहाँ पे मीटियोराइट के गिरने की वजह से, उसके कोलिशन की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट, द लेक इज हाई इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। यहाँ पे यहाँ का जो वाटर है वो अल्कलाइन भी है, सलाइन भी है, दोनों ही है। ओके, नेक्स्ट, द इनहेबिटिंग द साइट आर, यहाँ पे कितने स्पीसीज हैं? 160 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, जिसमें वल्नरेबल एशियन वुली नेक भी हैं, कॉमन पोचार्ड भी हैं, 46 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स भी हैं, 12 स्पीसीज ऑफ मैमल्स भी हैं, जिसमें आइकॉनिक ग्रे वॉल्फ भी आते हैं, ठीक है। ये लोनार लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये लोनार लेक बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में वहाँ पे लोकेटेड है, एंड इस लेक का पानी मैंने पहले ही बोला ये पिंक कलर में कन्वर्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हेलो आर्किया माइक्रोब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हमारा कह सकते हो ये क्या है, लास्ट या रिसेंट रामसर साइट टू बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। ओके, ये है रामसर साइट्स की इमेज, शुरू करते हैं। दिस हाई ऑल्टीट्यूड, ये बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड क्योंकि लद्दाख में लोकेटेड है, तो लद्दाख हमारा क्या है मतलब यू नो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पे लोकेटेड है। हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इज फाउंड एट मोर देन 4,500 मीटर्स के ऊपर ये लोकेटेड, आप सोच ही सकते हो 4,500 मीटर से भी ऊपर लोकेटेड है ये रामसर साइट, अबव द सी लेवल इन चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। कहाँ? चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स इज इंक्लूड्स, यहाँ पे दो लेक्स कनेक्टेड है आपस में सोकार में, फ्रेश वाटर स्पार्सपक अल्सो एंड लार्जर हाइपर सलाइन सोकार। एक फ्रेश वाटर लेक है जिसको हम लोग स्टार्सपक सो कहते हैं, और दूसरा एक हाइपर सलाइन जो काफ़ी ज़्यादा सलाइन है, हाइपर सलाइन सोकार लेक है। तो यहाँ पे दो लेक कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, तो दो लेक की वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ा है, सोकार की वजह से मेनली इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेक्स कनेक्टेड है, एक फ्रेश वाटर एक हाइपर सलाइन। फ्रेश वाटर क्या है? स्टार्ट सापक, फ्रेश वाटर स्टार्ट सापक, और दूसरा क्या है? सोकार। ओके, नेक्स्ट, ये जो नेम है, ठीक है, ये जो नेम है सोकार, इसका मतलब होता है वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लेक कॉज्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ द सलाइन वाटर्स। तो सलाइन वाटर्स का जब एवेपोरेशन होता है तो जो नमक होती है वो तो बैठ जाती है, तो कह सकते हो वाइट सॉल्ट इसका मीनिंग है, वाइट सॉल्ट सोकार का मीनिंग। नेक्स्ट, लोकल क्लाइमेट यहाँ का एरिड है, ग्लेशियल मेल्ट वाटर है यहाँ पे, इज़ द प्राइमरी वाटर सोर्स फॉर द लेक्स। यहाँ पे जब ग्लेशियर गलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वहाँ से जो पानी निकलता है इस लेक का वही इस लेक के वाटर का वही सोर्स है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही एरिड है, इन एरिड क्योंकि लद्दाख आप लोग को पता है कि कोल्ड डेजर्ट भी है इसलिए। नेक्स्ट, इनहेबिटिंग द साइट्स, यहाँ पे न्यूमरस थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड साकर फैल्कन हो गए, एशियाटिक वाइल्ड डॉग हो गए, या फिर धोले भी हम लोग इसको कहते हैं, याद रख लीजिएगा,
वल्नरेबल स्नो लेपर्ड हो गए, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज इन इंडिया. इंडिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रीडिंग एरिया भी है इंडिया में. किसके लिए? ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए. ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ पे आके ब्रीडिंग करते हैं. और ये कहाँ लोकेटेड है? सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, न्यूमा ब्लॉक, विच इज इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. ओके, डन. ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक्चुअली चिलिका लेक है. ठीक है, चिलिका लेक जो ओडिशा में पहला हमारा रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था. और यह है केवलादेव नेशनल पार्क. तो ये दोनों एक साथ डिक्लेयर किए गए थे, मतलब आइडेंटिफाई किए गए थे एज फर्स्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके. ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं, ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं. इन दोनों साइट्स से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. दैट्स ऑल, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय.